एसडीआरएफ की टीम पोलिस रेस्क्यू टीम घटनास्थले रवाना थई चुकी छे। 2 किलोमीटर सुधी पगपाळा जईने घटनास्थले पहोंचवा रेस्क्यू की टीम प्रयास करी रही छे। तो आ तरफ मंडी में पण आभ फाटी और 11 लोको गुम होवाना अहेवाल मळी रह्या छे। मंडीना थलटू खोडम अनेक घर तबाह थई चुक्या छे, ज्यारे मलाणा में वादळ फाटवाथी पार्वती नदी खतराना निशान उपरथी वही रही छे। पावर प्रोजेक्ट ने नुकसान थयुं, ब्यास नदीना जलस्तर में पण वधारो थई रह्यो छे, जेने लईने पंचवक्त मंदिर सुधी नदीना पाणी पहोंच्या अने लारजी डेममांथी पाणी छोड़वामां आवी रह्युं छे। साथ ज प्रशासने लोकोने काम सिवाय घरनी बहार न निकळवा अपील करी छे। भारे वरसाद वरसी रह्यो छे, जेना परिणामे हालमां बचाव कामगीरी करवामां आवी रही छे। हिमाचल प्रदेशनी राजधानी शिमलामां जोरदार वरसाद वरस्यो, शिमलामां वादळ फाट्यो, 20થી વધુ લોકો શિમલામાં લાપતા થયા હોવાની આશંકા છે। કેટલાક સ્થળોએ રસ્તા પણ શિમલામાં બંધ થઈ ચૂક્યા છે। રાહત અને બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, પરંતુ વાતાવરણ અને પરિસ્થિતિને કારણે આ કામગીરીમાં પણ અડચણ ઊભી થઈ રહી છે। हाइड्रो प्रोजेक्ट पासे वादळ फाटवानी सूचना मळी, जेनी जिला डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटीए पण पुष्टि करी छे। हाल में शिमलामां एसडीआरएफ नी टीम पोलिस अने रेस्क्यू टीम पण घटनास्थले रवाना थई चूकी छे। 2 किलोमीटर सुधी पगपाळा जईने घटनास्थले पहोंचवा माटे रेस्क्यू टीम प्रयास करी रही छे। वादळ फाटता जे परिस्थिति सर्जाय तेने लईने त्यांना लोको पण परेशान छे। આ વિશે વધુ માહિતી આપવા આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે હિમાચલ પ્રદેશથી અમારા સંવાદદાતા સચિન। સચિન, કિસ તરીકે સે વહાં પર તબાહી મચી હુઈ હે, લોગો કે હાલાત ક્યા હે, બચાવ ટીમ કિસ તરહ સે કાર્રવાઈ કર રહી હે? જી દેખિયે, યે શિમલા ઓર મંડી દોનો ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ મે યે પિછલી રાત બાદલ ફટે હે, તો ઓર કુલ્લુ મે, તો શિમલા મે યે ઝાકડી હે, વહાં હાઇડલ પાવર પ્રોજેક્ટ હે, वहाँ पे ये बादल फटने की वजह से तकरीबन 20 लोग ये जो हैं अभी मिसिंग हैं। तो वहाँ पे एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं। तो वहाँ पे राहत और बचाव कार्य जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। और मंडी में जो है, मंडी में भी एक जगह बादल फटा है, उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो कैजुअल्टीज हैं वो अभी जानकारी नहीं लग रही है, बट वहाँ भी काफी तबाही हुई है। और मलाणा जो है, वहाँ भी कुल्लू में जो है, वहाँ भी बादल फटने की वजह से जो है वो नुकसान हुआ है। तो अभी स्टेट की तरफ से जो है ओवरऑल क्या सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है कि कहाँ कहाँ डैमेज जो है हुआ है। और रात के लिए असल में ये आज के लिए ऑरेंज अलर्ट था हिमाचल में, तो ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का था, तो बादल फटने की वजह से ये जो है ये नुकसान जो है हिमाचल में जगह जगह हुआ। सचिन, अगर माना जाए तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है जिस तरह से बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, कौन कौन सी टीम वहाँ पर तैनात है, किस तरह से लोगों के नजदीक पहुँचने की बचाव कार्य की कोशिश की जा रही है? देखिए, वहाँ असल में देखिए एनडीआरएफ की टीम्स तो यहाँ रहती ही है, क्योंकि स्टेट जो है वल्नरेबल है, यहाँ पे हमेशा चांसेस रहते हैं, खासकर बरसात के दिनों में जो है नुकसान के, डिजास्टर के। तो पिछले कुछ एक सालों से ये सिलसिला जो है बड़ा है खासकर, तो अब फिलहाल स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और एनडीआरएफ की टीमें ये सारे ही अलर्ट मोड पे रहते हैं। प्रशासन जो है बरसात में एहतियातन कदम उठाता है, पर इसमें समस्या ये होती है कि डिजास्टर कहाँ होगा, बादल कहाँ फटेगा, इस चीज का अंदाजा लगाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है प्रशासन के लिए भी, इस चीज का अंदाजा लगाना कि कहाँ बादल फटेगा। तो सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि जहां भी इस तरीके की घटना होती है वहां इमीडिएट रिलीफ जो है लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाए। तो अभी जो पिछली रात हुआ है उसमें भी अब प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि सबसे पहले जो है राहत और बचाव कार्य जो है वो वहां पे शुरू किए जाएं। जी सचिन, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।